नमस्कार, मैं प्रदीप राजपूत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद लखनऊ से आ एक बार आपके साथ फिर। आज हम बात करेंगे भरोसा जीत का और राष्ट्र निर्माण में कैसे हम लोग सहयोग कर सकते हैं, कंपिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं और कैसे इसको आगे ले जा सकते हैं, कैसे मोटिवेशन बना रहे, कैसे हार्डवर्क कंटिन्यूसली चलता रहे। बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं जो हमें याद रखनी हैं। सबसे पहली चीज़ तो मैं आप सबको एक बधाई दूंगा, या जो भी लोग आज कोरोना काल से निकल उभर कर आए हैं उनके लिए ये ईश्वर ने एक वरदान दिया है, क्योंकि जो 2 साल हम लोगों ने महामारी देखी है, पूरे विश्व ने देखी है, उससे बाहर निकलना, उसके सदमे से बहुत सारे लोगों ने अपनों को खोया होगा। लेकिन और उसको सोच कर डिप्रेशन, परेशानियाँ, आदमी कुछ बहुत ज़्यादा निराशा की भावना भी आई होगी, लेकिन समय है, समय के साथ आगे बढ़ना होता है, जीवन रुकता नहीं, यही जीवन का मंत्र है। सफलता का कोई एक मूल मंत्र या कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसे हम अगर उनको फॉलो करें तो हम कम से कम अपने जो टारगेट हमने डिसाइड किए हैं लाइफ में उसको पाने में, हासिल करने में हमको बहुत हद तक सफलता मिल सकती है। आप टेक्नोलॉजी सुनते हैं, 2G, 3G, 4G, 5G, इसी के ऊपर मेरा एक अपना बेसिक मंत्र है 5D। 5D का पहला मंत्र है डिजायर। डिजायर अगर नहीं है किसी चीज़ के लिए तो हम उसको आगे फिर नहीं बढ़ सकते। दूसरा इसी में है डिटर्मिनेशन। जिस काम के लिए हमने निश्चय किया है कम से कम उसके लिए डिटर्मिनेशन होना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए। इसके बाद होता है बेसिकली जो सबसे मूल मंत्र है, सब लोग कहते हैं डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन तो आप देखते हैं कि अपने आप में एक खूबसूरती है। अगर हमारी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है तो हमारे सक्सेस के रेट जो है कुछ भी हमारे लिए नहीं है, क्योंकि तो डिसिप्लिन आपकी लाइफ में नहीं होगा। आप देखते हैं, जब इसका बहुत छोटा उदाहरण देता हूँ, जब बच्चे स्कूल में एक ड्रेस में होते हैं तो बड़े खूबसूरत लगते हैं। तो डिसिप्लिन एक बेसिक मूल मंत्र है इसका। और उसके बाद आप आते हैं डेडिकेशन। किसी भी काम को कर रहे हो, अगर डेडिकेशन नहीं है तो फिर आप उस काम को कभी नहीं कर सकते। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिवोशन। डिवोशन अगर नहीं है बिल्कुल उस किसी भी वर्क के लिए जो आप कंपिटेटिव एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं या किसी उसके लिए बैठते हैं, क्योंकि आप जिस संस्था से जुड़े हैं बेसिकली एक ड्रीम होता है कि अधिकांश स्टूडेंट्स का या छात्रों का कि ब्यूरोक्रेट बनना है या IAS बनना, क्योंकि उसमें एक उसका काम करने का उस पोजिशन पर मजा ही अलग है। उतने अच्छे, इतनी अपॉर्चुनिटियाँ, इतना एरिया मिलता है, वो लोग लीडरशिप मिलती है, तो इस पे बहुत सारे लोग इसलिए जो है हमेशा काम करना चाहते हैं। तो डिवेशन मस्ट है, लेकिन सबसे बेसिक चीज़ है आपको और हमको कंफर्ट जोन से बाहर आना। कंफर्ट जोन से जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हम किसी भी काम को कर नहीं सकते। ये एक बहुत बेसिक मूल मंत्र है उसका। कंफर्ट जोन के बाद कुछ छोटी सी चीज़ें और हमें हमेशा याद रखनी है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, जो बेसिक चीज़ें होती हैं जैसे ईगो। ईगो को हमें हमेशा अपनी, इसके लिए सीधा कहा गया किल इट। फिर होता है लव, वैल्यू इट, स्माइल, कीप इट, गॉसिप, ऑलवेज इग्नोर इट, सक्सेस, अचीव इट, जेलिसी, डिस्टेंस, नॉलेज, एक्वायर इट, एंड कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट इट। सबसे अपने पे विश्वास रखिए, ईश्वर पे विश्वास रखिए, क्योंकि अगर हम कोरोना काल से उभर के आए हैं, मेरा ऐसा मानना है, तो ईश्वर ने हमें कुछ विशेष कार्य के लिए भेजा है। और रही बात जब हम ब्यूरोक्रेसी में जाते हैं, जो हमारा अधिकांश लोगों का सपना होता है हिंदुस्तान में जो पढ़ रहे होते हैं दुनिया में, तो ब्यूरोक्रेसी में हमें क्या करना है, हमें फॉलो नहीं करना है, हमें कुछ ऐसे माइलस्टोन सेट करने हैं पब्लिक में कि हमें लोग फॉलो करें, क्योंकि तो इतने ज़्यादा ब्रॉड एरिया है, इतने ज़्यादा क्षेत्र होता है, अधिकार क्षेत्र है, कि हम वो माइलस्टोन सेट करेंगे, लोग हमको फॉलो करेंगे, हमारे आदर्श उतने उच्च स्तर के होने चाहिए कि लोग उसको फॉलो करें। और बहुत अपॉर्चुनिटी होती है, कभी ये ना सोचें कि सरकार ने क्या किया। कोरोना काल था, अभी भी देश में जो हमारी सरकार कर रही है बहुत कर रही है, लेकिन हमें क्या सोचना है कि हमने क्या किया है। और ये हमने क्या किया किसी एक पर्टिकुलर के लिए नहीं है, समाज के लिए हमने क्या किया है, देश के लिए क्या किया है, और कैसे हम छोटी छोटी बातों से करके देश की सेवा कर सकते हैं जो हमेशा इग्नोर करते हैं। सबसे बड़ी चीज है डिसिप्लिन, मैं अभी बता चुका हूँ। डिसिप्लिन हम ना भूल जाते हैं, किसी चौराहे पे खड़े हैं, गवर्नमेंट ने कुछ रूल रेगुलेशन बनाए हैं, बड़े अफसोस की बात है, जिस देश में कोरोना काल में लोगों की सेफ्टी के लिए ये बताना पड़े कि आप मास्क पहनिए,
हेलमेट पहनिए मोटरसाइकिल चलाते समय, टू व्हीलर चलाते समय, और गाड़ी चलाते समय, कार चलाते समय आपको सीट बेल्ट बांधनी है, उसके लिए चालान करना पड़े, लोगों के ऊपर जो है हार्डली पेश आना पड़े उनके साथ, उनके लिए बहुत स्ट्रिक्ट रूल बनाने पड़े, उस देश में आप उस तरीके के लोगों के लिए आप क्या क्या सोचते हैं? ऐसे काम हो सकता है? कैसे हम वो माइलस्टोन कैसे हम देश में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? ये छोटी छोटी चीजें हैं। तो जब आप अपनी सीट पर बैठे हैं, अपना वर्क कर रहे हैं, और उसके बाद आप बाहर जाते हैं, अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है तो आप स्विच ऑफ करके चले जाएं, ये छोटा सा योगदान हो जाता है। अगर हम यहाँ सेव करेंगे, क्योंकि आज हमारा देश अभी इस कंडीशन में नहीं है कि हम पावर वेस्टेज कर सकें, या नेचुरल रिसोर्सेस हैं जैसे पानी है, हवा है, साउंड पोल्यूशन है, इसको कंट्रोल में कर सकें, बिना वजह न फैलाएं, ये छोटी छोटी चीजें हैं, इससे भी हम बहुत सारा कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। और हमेशा सरकार ने हमको क्या दिया, ये कंप्लेन 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 नहीं करना है, कम आउट विथ सोल्यूशन। कंप्लेन तो दुनिया में बहुत सारी है, हम लेकिन उसका सॉल्यूशन उसको कैसे दे सकते हैं, हमें एक पॉजिटिव माइंड की तरह रहना है। आप देखिए, मैं कह रहा हूँ एक छोटी चीज, ये जो एक नेगेटिव होता है किसी फिल्म का, एक नेगेटिव एक ही होता है, लेकिन अगर हम उसको नेगेटिव को इकट्ठा करें, उससे सीखें, तो कितने सारे पॉजिटिव बन जाते हैं। तो हर जो भी फेल्योर होता है जीवन में आता है, तो उससे टूटना नहीं है, उससे उसको जोड़ना है, एक एक स्टेप करके आगे बढ़ना है, तभी हम जीवन के माइलस्टोन स्टेप बाय स्टेप आप मंजिल तक पहुंच सकते हैं, एकदम कूद के नहीं पहुंच पाएंगे। ये बहुत बेसिक मूल मंत्र है। हमेशा ये सोचें कि मैं क्या दे सकता हूँ, बी पॉजिटिव रहिए, और भरोसा जीत का जो ये मिशन चलाया है, ये चल रहा है, जिसमें देश के लिए क्या सेवा कर सकते हैं, कैसे कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, बहुत अच्छा मिशन है, प्रोग्राम है, आप इससे जुड़ें और इसके लिए जो आगे आएं। एक बात और है, जब भी हम जो मेन चीज है हमारी हेल्थ, क्योंकि हेल्थ का हमें बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि पढ़ाई करनी है, चाहे समाज में योगदान देना है, चाहे जो भी करें किसी के प्रति भी, उसमें हेल्थ तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और हेल्थ का हमेशा ही आपको ध्यान देना है। और हेल्थ अगर सही होगी तभी हम कुछ अच्छा कर सकेंगे। हेल्थ है, मेडिटेशन है, जाहिर है सभी लोग इससे अवेयर हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। मैं देखता हूँ आजकल समाज में लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए हैं इसके प्रति, अपनी हेल्थ के प्रति, कैसे काम करना है, कैसे अपने आप को स्वस्थ रखना है, क्या चीज़ खानी नहीं खानी। लेकिन फिर भी, क्योंकि अगर आप एक विशेष कार्य के लिए आप विशेष कार्य को आप अचीव करना चाहते हैं, विशेष माइलस्टोन आपने सेट किया है स्पेशल, तो फिर आपको अपना स्पेसिफिक वर्क भी करना पड़ेगा, अपने आप में कुछ चेंज करना पड़ेगा। कोई भी काम करने के लिए हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए एक विशेष मार्ग तैयार करना है, अपने आप को थोड़ा डिफरेंट तरीके से चलाना होगा बहुत से। और रही बात जिंदगी की, जिंदगी बिल्कुल सिंपल तरीके से है, जिंदगी में कुछ ऐसा नहीं है, जिंदगी का तो सीधा ये है कि अगर जिंदगी समझ में आ गई तो अकेले में मेला, और ना समझ में आई तो मेले में अकेला, बिल्कुल ऐसे ही जिंदगी है। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, दिल और दिमाग एकदम स्वस्थ रखिए, एक्सरसाइज करिए, खान पान में थोड़ा सा चेंज करिए, क्योंकि जिस तरीके की आजकल लाइफ स्टाइल हो गई है, हम लोग उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते, और जब तक कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे तब तक हम कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। और रही बात आदर्शों की, तो समाज में एक वर्ग छूट गया है, जैसे जो मैं कहता हूँ कि महिलाएं, महिलाओं के प्रति आपके मन में सम्मान होना चाहिए, आधी आबादी है वो कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, उनको भी साथ लेके चलिए, और इसकी शुरुआत अपने घर से करिए। अपने घर में, आपके घर में जो भाई बहन, माता और समाज में रिश्तेदारी में जो भी महिलाएं हैं, उनके प्रति एक आदर्श भाव एक होना चाहिए, आपके में सम्मान का भाव होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो शुरुआत होती है, जगत जननी जो माँ का वो स्थान दिया गया है, वो उसी से शुरू होती है। तो अगर आप देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, पहले अपने आप में कुछ करिए, अपने में चेंज लाएंगे, हम सुधरेंगे, देश सुधरेगा, देश में योगदान तभी दे पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ फिर मैं आप किसे इस वक्त विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा आपसे, आपका दोस्त, आपका साथी प्रदीप राजपूत, नमस्कार। जीवन में केवल एक बार ऐसा अवसर आता है, यह अनोखा अवसर इतिहास का हिस्सा अपने साथ ले जाने की प्रतीक्षा और प्रगति में है। इतिहास का हिस्सा बनकर समाज, देश और विश्व को नई चेतना दे। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले इस प्रोग्राम को देखने, लाइक और शेयर करने के लिए आप सभी को सत सत नमन। इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य नेशन बिल्डिंग मिशन है। अगर आपको लगता है कि आप भी मोटिवेशन, डिवोशन, डेडिकेशन और हार्डवर्क पर बोल सकते हैं, अपनी नॉलेज, अपनी उपलब्धि जो समाज, देश और पूरे विश्व के लिए एक प्रेरणा बने, जो लाखों करोड़ों की जिंदगी बदल सके,
और समाज, देश और विश्व के लिए एक मिसाल बने, तो प्लीज़ दिए हुए नंबर पर अपना नाम, मोबाइल नंबर, डेजिग्नेशन और टॉपिक और एक मिनट का स्पीच बोलकर रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप करें। ASG टीम विल कॉन्टेक्ट यू एज सून एज पॉसिबल। विश यू ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस इंडिया। गॉड ब्लेस द होल वर्ल्ड।